पपी प्ले टाइम चैप्टर 4 में क्या होने वाला है। जी हाँ, सब लोग को यही जानना है कि असल में होगा क्या नेक्स्ट पार्ट में, और क्या चैप्टर 4 लास्ट होने वाला है इस पूरी फ्रेंचाइज का, और अगर होगा तो उसके बाद क्या नई पॉसिबिलिटीज निकल के आती है मॉब गेम से। आइए बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फाइनली पपी प्ले टाइम चैप्टर 4 में क्या होने वाला है, और ढेर सारी थ्योरीज यहां पर मैं आपको दूंगा जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आपको कई टाइम से देता हुआ आ रहा हूं। तो सबसे पहले चैप्टर 3 के एंड में क्या हुआ, हम देख पाते हैं कि एक्स एम्प्लॉय ने फाइनली मार दिया था कैटनैप को। आई मीन मारा नहीं था, बस ये है कि उसे डैमेज कर दिया था उसी इलेक्ट्रिक हैंड से जिससे कि वो ह्यूमन बॉडी में मरता मरता बचा था। जी हाँ, वही सेम चीज़ हमने भी लास्ट में करी जो चीज़ उसके साथ सबसे पहले हुई थी, लेकिन उस टाइम उसको बचा लिया था एक्सपेरिमेंट 1006 प्रोटोटाइप ने। लेकिन इस बार यहाँ पे उल्टा हुआ, जब हम उसको शॉक देते हैं तो उसके बाद वो जिंदा रहता है, लेकिन वहीं पर एंट्री होती है एक्सपेरिमेंट 1006 की, जो उसे मार देता है अपने ही खूनी नाखूनों से। और फिर उसको मारने के बाद वो वही करता है उसके साथ जो वो अब तक करता आ रहा है, सभी डेथ टॉयज की बॉडी पार्ट्स अपने साथ ले जाता है। वही चीज़ वो यहाँ पर भी करता है, कैटनैप को मारने के बाद वो उसकी पूरी बॉडी, वो उसकी ह्यूज पूरी बॉडी अपने साथ लेके चले जाता है समवेयर एल्स। ये चीज़ लिटरली सभी लोगों के लिए शॉकिंग थी, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस गेम में इस एंड में क्या होने वाला है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मालूम ही था, खासकर हमारे व्यूअर्स को, कि मे बी लास्ट में एक्सपेरिमेंट 1006 बिट्रे करेगा कैटनैप को, और उसने वही किया। क्या बात है। सो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने फाइनली उसे मार दिया है और वो उसकी बॉडी अपने साथ लेके चला गया है। अब यहाँ पर वन सेकेंड मैं दो बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है कि कैटनैप ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, आई मीन उसने अपने आप को सौंप दिया था अपने भगवान को, तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि उस चीज़ में कोई मज़ा नहीं है, आई मीन उस थ्योरी में कोई मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा जब वो ऑलरेडी मौत की कगार पर खड़ा है। उसे पता है वो नहीं तो हम तो उसको मार ही देते, लेकिन वो यहाँ पर आया और वो उसकी पूरी बॉडी अपने साथ लेके चले गया। कहाँ गया है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, वो हम अभी बात करेंगे। सो यहाँ पर बैटरी लेके हम पहुँचते हैं पॉपी के पास, जहाँ पर वो हमें दी आवर ऑफ जॉय का सच बताती है, और वो ये भी बोलती है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट 1006 का ही किया जा रहा है, उसी ने ही उन सभी टॉयज़ को उस समय कंट्रोल कर रहा था या फिर जो भी कर रहा हो, जिसके वजह से सभी टॉयज़ ने सभी एम्प्लॉयज़ की जान ले ली थी और उन सभी को एक बेसमेंट टाइप के जगह में डाल दिया था, ताकि जो वहाँ के टॉयज़ हैं ईवल टॉयज़ जो बन चुके हैं ईवल, वो सभी उन बॉडीज़ को खा के ज़िंदा रहें। यहाँ पे मिस डिलाइट नहीं आती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी दी आर ऑफ जॉय के बाद कैटनैप ने उन सभी को स्कूल में ही बंद कर दिया था, जो कि ये बात वो कुछ नोट्स में हमें मालूम चलती है। सो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो लास्ट ऑब्स्टेकल था कैटनैप, वो मर चुका है, जहाँ पर पॉपी और हम निकल पड़ते हैं फाइनली उसे फेस करने के लिए डीप अंडरग्राउंड में, और यू कैन से एक लैब में, जहाँ पर हो सकता है कि सभी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे, वहीं पर वो लैब है। क्योंकि हम देख पाते हैं VHS में, कैटनैप के VHS में, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे कवर की हुई, वहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एक साइंटिस्ट बात करता है कैटनैप से कि तुम्हारी जगह असल में यही प्रिजन में है, और तुम प्ले केयर में नहीं जाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जाओगे जो भी तुम्हारा काम है, और फिर वापस तुम यहीं पर आओगे अपनी जेल में, अपने घर में, यही तुम्हारा घर है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि प्रोटोटाइप वहीं पर है जहाँ उसको होना चाहिए, वो अपनी लैब में है, यानी कि वो लैब ही उसका घर है, क्योंकि जब वो भाग रहा था इन सबसे बच के, तो थियो के लिए उसने अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया था, और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया था और उसे लैब में ही बंद कर दिया था। वही लैब, जी हाँ वही लैब है जहाँ पर वो रहता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि चैप्टर 2 में हमें एक VHS मिलती है एक्सपेरिमेंट 1006 की, जहाँ पर ये बताया जाता है कि वो अपने कंसाइनमेंट से भागने में कामयाब हुआ है। उसने वहाँ पर जो भी नर्सेस थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, उन सभी को मार के वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ है। 08502 in relation experiment 1006 the prototype a close call occurred this week in which he nearly breached containment the prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer which he then fired into the security camera disabling it These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door. Despite the other specialists still being inside.
one casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. So, यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये जो इवेंट है वो मे बी असल में तब हुआ होगा जब द आर ऑफ जॉय शुरू होने वाला था. I mean, उससे पहले ही प्रोटोटाइप भाग गया था वहां से, जिसके वजह से उसने माइंड के थ्रू सब लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया था. अब देखो ये केस में हम ये भी देख पाते हैं कि हर कोई माइंड से कंट्रोल नहीं हो सकता. लाइक पॉपी, डोंट नो हाउ, बट पॉपी के पास कुछ ऐसी एबिलिटी है कि वो हमसे भी बात कर सकती है थ्रू टेलीकिनेसिस. अब आई डोंट नो कि ये वैलिड कितना है, लेकिन जब हम देख पाते हैं चैप्टर वन में और चैप्टर टू में हमें बहुत जगह पॉपी की वॉइस सुनने को मिलती है लाइक वेक अप. सो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट 1006 के पास भी कुछ ऐसी एबिलिटी है. दैट्स वाई वो थियो से बात कर पा रहा था थ्रू टेलीकिनेसिस. हम देख पाते हैं कि वो थियो बोलता भी है कि वो एक अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, अ फ्रेंड हु वाज नॉट रियल, थियोस इमेजिनरी फ्रेंड. और यहाँ पर प्ले केयर में बहुत से ऐसे टॉयज थे जैसे कि वो अच्छे से दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक दिस फॉलिंग क्रिटर्स या फिर ऐसे ही कुछ और टॉयज. मे बी मिस डिलाइट भी उन्हीं में से होगी. सो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख पाते हैं कि सभी को अगर वो माइंड से ही कंट्रोल कर सकता है तो फिर उसने कैटनैप को क्यों रखा हुआ है. जो कैटनैप है वो उसे भगवान मानता है नो डाउट, और उसकी वजह से जो भी बाकी टॉयज उसके खिलाफ होते हैं वो उन्हें हेरेटिक्स बोलता है. उसने अपने में ही एक कल्ट शुरू किया हुआ है जिसके तहत जो भी उसको अपोज करेगा एक्सपेरिमेंट 1006 को तो वो उसे मार देगा. और बहुत सारे टॉयज सिर्फ और सिर्फ उसके डर की वजह से ही उसके साथ थे, लाइक द स्मॉल स्पाइडर क्रिटर्स, जैसे कि उसने डील करी थी कि अगर वो सभी स्मॉल क्रिटर्स उसकी बात मारेंगे तो वो नहीं मारेगा, बदले में उसे फूड भी दिया जाएगा. दैट्स वाई हम देख पाते हैं यहाँ पर हर मेन जो स्पाइनल क्रिटर्स होगा उन सभी की बॉडी इसी जेल में होगी जहाँ पर हम देख पाते हैं डॉग डे की बॉडी. और लास्ट में जैसे कि हम देख पाए थे कि कैटनैप ने उन सभी स्मॉल क्रिटर्स को दावत दे दी थी एक तरह से, जो कि वो डॉग डे को मार देते हैं और मे बी उसके जो इनर पार्ट है, जो उसका इनर फ्लश है, वो सब खा लेते हैं, जिसके वजह से जो उसकी बॉडी है वो खुद प्रोसेस कर लेते हैं, समथिंग लाइक अ पैरासाइट. हम देख पाते हैं हर जगह बहुत सी सी चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन को कंट्रोल कर लेती है जब वो उसे अफेक्ट करती है. यही सेम केस होता है जॉम्बिस के केस में, आपको तो पता ही है. तो लास्ट में भी डॉक्टर के साथ वही हुआ जहाँ पर जो उसके ऑर्गन्स है वो सभी उन्होंने खा लिए और कहीं ना कहीं उन्हें करप्ट कर दिया, जिसके वजह से वो जो डॉक्टर है वो हमें मारने को दौड़ रहा था. यानी कि जो उसकी सोल है वो मर चुकी है लेकिन जो उसकी बॉडी है वो जिंदा है थ्रू द पैरासाइट्स, थ्रू द स्माइलिंग क्रिटर्स. सो हो ना हो चैप्टर फोर में कोई चांस नहीं कि हमें कोई भी स्माइलिंग क्रिटर्स देखने को मिल जाए. यहाँ पर हम देख पाते हैं जब हम इस लिफ्ट के थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि असल में वहाँ पर एक लैब है, काइंड ऑफ लैब है, जो कि हो सकती है एक इनोवेशन रूम या फिर एक रिसर्च रूम या फिर ह्यूज चांसेस हैं एक एक्सपेरिमेंट लैब की. क्योंकि अभी तक हम बहुत जगह पर घूम चुके हैं इस पूरी कहानी में, इस पूरी फैक्ट्री में, हमें कहीं भी वो लैब इतने को नहीं मिली जहां पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होते थे. याद है कि हमें चैप्टर फोर में कुछ नोट्स मिलते हैं जो कि ये कहते हैं प्ले टाइम के बीनीथ, प्ले टाइम के डीप में एक अंडरग्राउंड हिडन फैसिलिटी बनाई जा रही है जो कि कॉन्ट्रैक्ट दिया था वॉरेन को. तो हो ना हो डीप में अगर कोई फैसिलिटी बनाई जा रही है, कोई लैब बनाई जा रही है, तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए. और गेस व्हाट, हम लोग वहीं जा रहे हैं, हम लोग उसी डीप में जा रहे हैं पॉपी के साथ जहां पर हमारी जो कंपेनियन होने वाली है चैप्टर फोर के लिए वो है पॉपी प्ले टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग. चैप्टर वन और टू में हम देख पाते हैं एंड में कि जो हमारा प्लेयर है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो असल में बेहोश होता है. हर पार्ट के लास्ट में वो अनकॉन्शियस हो जाता है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जब पॉपी रिवील होती तो वो उसको देख के मे भी डर गया होगा और हमें दिखता है कि वो अपनी आंखें खोल रहा है. सेकेंड पार्ट में हम देख पाते हैं कि पूरी ट्रेन क्रैश हो गई थी और वहीं पर वो बेहोश हो गया था, लेकिन थर्ड पार्ट में वो एकदम प्रॉपर तरीके से पॉपी के साथ नीचे गया है, जो कि हम हर बैन में देख पाते हैं कि हर चैप्टर में हम एक लिफ्ट के थ्रू किसी ना किसी कैंपेनियन के साथ नीचे जाते हैं गार्डन ऑफ बैन में हर चैप्टर में. तो वहीं कुछ सेम केस यहाँ पर भी हुआ है इस बार जहाँ पर हम जा रहे हैं पॉपी के साथ, लेकिन आप ढंग से देखोगे जो लिफ्ट है वो बाद में ऊपर आती है. तो यानी कि जो गेम हमारा स्टार्टिंग होगा वो वहीं से होगा, उसी प्लेटफॉर्म से होगा जहाँ पर मे बी होना हो किसी मिसी को बंदी बनाया जाएगा या फिर हो ना हो हमारे पहुँचते ही पॉपी पर हमला किया जाएगा और पॉपी को वंस अगेन किडनैप कर लेंगे ताकि पूरे गेम में हम पॉपी को वंस अगेन फ्री करने की कोशिश करेंगे. और जहाँ तक बात रही एक्सपेरिमेंट 1006 की, अगर उसने अटैक किया हुआ है किसी पर तो हो ना हो उसका भी हाल वही होगा जो कि डॉग डे का हुआ था. लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैट टैप मर चुका है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनल ऑब्स्टेकल रह गया है, सिर्फ फाइनल विलन रह गया है बेसिकली, जो कि है प्रोटोटाइप. और यहाँ पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो कहीं ना कहीं उसका जो लास्ट बॉडी पार्ट था वो था कैटनैप. अब
कैटनैप को मारने के बाद उसने मे बी उसे यूज किया होगा एज अ बॉडी पार्ट खुद के लिए, और वही मे बी उसका आखिरी कंपोनेंट होगा उसकी बॉडी के लिए जो कि अब उसे मिल चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हमें अपने फुल फॉर्म में, अपने फुल टेरिफाइंग फॉर्म में देखने को मिलने वाला है, जिसकी बात करी थी ऑली ने। लेकिन यहाँ पर समझ वाली बात ये भी है कि वो अपनी अभी बॉडी बना रहा है, जैसे कि हम देख पाते हैं सिर्फ उसका हम हाथ देख पाते हैं, तो वो अपनी बॉडी बना रहा है, सब लोगों को इकट्ठा कर रहा है, डेड पार्ट्स है उन्हें लेके जा रहा है। तो ऑली ने बहुत पहले ही उसकी बॉडी कैसे देख ली, जब वो खुद बोलता है कि इसका शॉयन, जब आप उसकी रियल बॉडी देखोगे तो शॉक हो जाओगे। बहुत टाइम मुझे लगता है कि जो ऑली है वही 1006 है, जो कि मैंने वीडियो बनाई भी है, आपको मिल जाएगी आई बटन पे, आई होप सो कि आपने देखी हो। ऑलराइट, यहाँ पे बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे, क्या होने वाला है। नो डाउट मुझे लगता है इस गेम को, इस पूरे फैक्ट्री में हमें कहीं भी ऐसे कोई लैब देखने को नहीं मिली है जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे उटपटांग काम होते हो। सो हो ना हो हम यहाँ पे डीप में जाने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक जो मैंने अभी थ्योरी बताई है तो उसके हिसाब से पॉपी जो है वो समहाउ हमारे साथ नहीं रहेगी स्टार्टिंग में, जो कि हम देख पाते हैं कि जो लिफ्ट ऊपर आ रही है जहाँ पर किसी मिसी है, मे बी वही मॉन्स्टर होगा जो कि उसे मार रहा था या फिर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सो यहाँ पर भी जो हमारा मेन मोटिव होगा वो होगा एक्सपेरिमेंट 1006 को हराना, जिसके वजह से यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ग्रैब पैक भी नहीं है। हम देख पाते हैं लास्ट में वो जो ग्रैब पैक है वो जल चुका था। सो यहाँ पर वापस उसी फैक्ट्री में घूमना बेवकूफी है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज को चार्ज चाहिए जो चार्ज हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा जो ग्रैब पैक है ग्रीन हैंड है वो टूट चुका है। सो चैप्टर 4 में बाकी पार्ट्स की तरह हमें नए ग्रैब पैक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मे बी हम लोग जाने वाले हैं डीप में, तो कहीं ना कहीं जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ लैब में घूमेगा, ढेर सारी लैब्स होंगी और जो मेन चीज होगी जो सीक्रेट लैब होगी या फिर सीक्रेट अबेंडन फैसिलिटी होगी जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज जिंदा होंगे। अगर जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ एम्प्लॉयज और चिल्ड्रन जिंदा हैं, सो क्या पता कि हमें वो भी देखने को मिल जाएंगे इसी चैप्टर में। देखो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये चैप्टर इतना लॉन्ग हो जाए, 4 चैप्टर इज मोर देन इनफ। यहाँ पर अगर मॉब गेम्स ने एंड कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज्यादा से ज्यादा वो लोग 5th चैप्टर तक ही जाएंगे। हमें पता है कि वो लोग इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि कहानी अभी बहुत दूर है फाइनल चैप्टर से, क्योंकि जो ये फैक्ट्री है वो बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, जहाँ पे हम हर एक चैप्टर में अगर एक एक पार्ट ही घूम रहे हैं तो आप समझ लो कि फैक्ट्री बहुत ह्यूज है, तो फिर इसके और कितने पार्ट आ सकते हैं। ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ, लिटरली मैं ये नहीं चाहता कि इस गेम को और खींचा जाए। पॉपी ने भी बोल दिया कि फाइनल ऑब्स्टेकल जो है वो था कैटनैप जो कि मर चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास और कोई मैस्कॉट नहीं बचा है, अब बस बारी है फेस टू फेस होने की एक्सपेरिमेंट 1006 से। और जहाँ तक बात रहे इस पार्ट को बनाने में, मे बी वो लोग ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि चैप्टर 3 चैप्टर 2 से बहुत हाई था ग्राफिक्स वाइज भी और विजुअल वाइज भी, और वही कोड्स अब उनके पास हैं, तो जल्द से जल्द बस हमें एक प्रॉपर कहानी चाहिए जो कि इस पूरी सीरीज को बंद करेगी। लेकिन जो इसकी सब सीरीज होंगी लाइक एक्सएम्प्लॉय या फिर पॉपी या फिर इन सब पे कुछ और चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी बाद में। सो फिलहाल के लिए जो मैं अब तक आपको बोलता आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो पॉपी है वही मेन विलन निकल सकती है इन दी एंड, तो क्या पता कि ऐसा ना भी हो, क्योंकि हम देख पाते हैं जो डॉग डे है वो भी बस पॉपी को ही बोल रहा था हमारे साथ काम करने के लिए, हम दोनों ही हैं जो कि इस मैडनेस को रोक सकते हैं। सो मे बी पॉपी एक वो की है जो कि बहुत ज़रूरी है सभी मैस्कॉट के लिए या फिर इस एक्सपेरिमेंट 1006 के लिए, क्योंकि हम देख पाते हैं द आवर ऑफ जॉय में सभी लोग मर चुके थे, बहुत सारे टॉयज को भी इन लोगों ने खुद ही मार दिया था, लेकिन जब पॉपी है उसे इन्होंने सेफ रखा था, वो भी आप देख पाओगे पूरी फैक्ट्री से हट के एक रूम था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉपी का ही डिज़ाइन बना था, और उसी रूम के अंदर हमें पॉपी हाउस में ही पॉपी का एक केस दिखता है, और वो अपने आप बोलती है कि उसने मुझे वहाँ पर रखा था, उसने ही मुझे बंद किया था इतने सालों तक। सो आई डोंट नो कैटनैप ने या फिर मामी लॉन्गलेग्स ने या फिर एक्सपेरिमेंट 1006 ने इन्हें मारा क्यों नहीं, इसे मारा क्यों नहीं, ये डॉल को क्यों नहीं मारा। देखो सबको पता है चैप्टर 2 में हमें कुछ नोट्स मिलते हैं अबाउट दी पपी फ्लावर, कि उस फ्लावर में कुछ मैजिकल चीजें हैं जो कि अगर परफेक्ट सॉल्यूशन से मिलाया जाए तो वो कोई भी चीज को जिंदा कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो पॉपी है हम देख पाते हैं होम स्वीट होम में उसका अपना घर है, जहां पे उसका जो स्टैचू है वो है होम स्वीट होम के ठीक ऊपर, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो पॉपी का ही हाउस है, और जगह जगह पर हमें सॉकेट दिखते हैं जहाँ पर पॉपी का लोगो होता है। हम देख पाते हैं इतनी बड़ी सी जगह होती है, एक बड़ी सी फैसिलिटी के बाहर एक छोटे से स्मॉल गेट के ठीक दीवार पे वॉल पे एक बिग ह्यूज पॉपी फ्लावर का डिज़ाइन बना होता है, और जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर पॉपी है। सो हो ना हो ये लोग कुछ जानते हैं, आई मीन जो भी ये टॉयज हैं ये लोग कुछ जानते हैं पॉपी के बारे में, वरना फिर जब हम आते हैं तो हम उस पॉपी को फ्री करने के लिए हमें हगी वगी से लड़ना पड़ता है, आई मीन हगी वगी उसे गार्ड कर रहा था, उस तक पहुंचने से लोगों को रोक रहा था, और कहीं ना कहीं ये पॉपी भी जानती है कि वही एक ऐसी की है जिसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट 1006 को हरा सकते हैं। जैसा ये बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो उसे हराने में, तो यानी कि पॉपी डॉल एक ऐसी की है जिससे कि मे बी हर कोई जानता है, हर टॉयज जानता है, खासकर एक्सपेरिमेंट 1006। दैट्स व्हाई उसने हगी वगी को वहां पे तैनात किया था
ताकि पपी वहां से बाहर निकल पाए। और जब हम उसके पास आते हैं तो हमें उसको मारना पड़ता है उस पपी को वहां से फ्री करने के लिए। और अब हम देख पाते हैं कि उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम ओली है, और वो उसे गाइड कर रहा है बहुत टाइम से, और वो हमें भी गाइड करता है, एक दूसरे को गाइड करता है ताकि जो पॉपी है वो हमें ढूंढ ले। ऊपर से वो लेटर जो कि हमें चैप्टर 1 में मिला था जहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल रहा था कि वो जो लेटर है वो हमें पॉपी ने भेजा है, लेकिन पॉपी तो केस में थी। जी हाँ, आपकी सोच एकदम सही जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कि वो ओली है तो आप एकदम सही सोच रहे हो, एकदम करेक्ट सोच रहे हो कि असल में वो ओली है जिसने कि हमें वो लेटर भेजा है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा गया था फाइंड द फ्लावर। और जो भी 10 साल पहले लोग गायब हुए थे, एम्प्लॉयज गायब हुए थे, वो लोग जिंदा है, उसने ये भी कहा था। तो यानी कि जो बचे हुए लोग होंगे, बचे हुए एम्प्लॉयज होंगे या फिर बच्चे होंगे, वो उनकी बात कर रहे होंगे। 10 साल पहले जो द आवर ऑफ जॉय इवेंट हुआ था जहाँ पर सब लोग मर चुके थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज मर चुके थे, कहीं ना कहीं कुछ एम्प्लॉयज जिंदा होंगे, वो भी बच्चों के साथ। और वो जो लेटर हमें आया था वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए था कि जो वो सब जिंदा है और वो लोग फ्लावर के अंदर हैं, फाइंड द फ्लावर। जब हम फ्लावर में पहुंचे तो हमने वहाँ पर फ्री किया पॉपी को। फिर उसने बताया कि हमें इन सबको हराना पड़ेगा, हगी वगी मम्मी लॉन्ग लेग्स को हम लोग ऑलरेडी मार चुके थे, फिर कैटनैप को, ताकि हम रोक पाएं प्रोटोटाइप को और सभी लोगों को बचा पाएं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओली ने ही हमें वो लेटर भेजा था। और इस गेम में, इस चैप्टर 4 में हमें दिखाया जाएगा कि असल में कौन है ओली, जो कि हमें इतने टाइम से गाइड कर रहा था, यहाँ तक कि उसने पॉपी को भी गाइड किया और पॉपी उसे अच्छे से जानती है, भली भांति जानती है उससे, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चैप्टर 4 दी एंड होने वाला है, जहाँ पर हमारे साथ क्या होगा वो एक तरह का सीक्रेट है। मैंने बहुत थ्योरीज में बताया है कि जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ क्या हो सकता है। नो डाउट अगर वो इस गिल्ट में है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, सो लिख के लो इस चैप्टर के एंड में वो मारा जाएगा, किसके हाथों, पॉपी के हाथों। देखो, इस पॉइंट तक बताना बहुत मुश्किल है कि असल में कौन सही है कौन गलत है, पॉपी सही है या फिर एक्सपेरिमेंट 1006 सही है, क्योंकि कैट ने अपने खुद कहा था कि बहुत सारे चिल्ड्रन जिंदा हैं और वो सेफ हैं, और सिर्फ वही करता है जो उसे एक्सपेरिमेंट 1006 कहता है। वो जानता है प्रोटोटाइप विल सेव अस, यानी कि उन सभी बच्चों को वो बचाएगा जो कि मे बी उसने किया। तो फिर पॉपी, ओली या फिर डॉगडे उससे क्यों रिवेंज लेना चाहते हैं, किस चीज़ के वजह से वो चाहते हैं कि हम उन्हें मार के लोगों को बचा लेंगे, आई डोंट नो। ये मतलब हो ना हो, इस कहानी के लास्ट में कुछ ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसके लिए आप और मैं रेडी नहीं है। होप सो कि मेरी एक भी थ्योरीज एंड में जाके सच ना हो, मैं तो बस यही दुआ करूंगा, क्योंकि मुझे एकदम फ्रेश चाहिए, कुछ प्लॉट ट्विस्ट मिल जाए जिसमें एकदम मजा आ जाए। जब मैंने ये कहा था कि मे बी डीप स्लीप के एंड में, चैप्टर 3 के एंड में जो कैटनैप है वो मर जाएगा, हमारे हाथों नहीं लेकिन एक्सपेरिमेंट 1006 के हाथों, वो उसे बिट्रे कर देगा, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ें एकदम सच हुई है, आपको तो पता ही है। सो वो चीज़ के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, जहाँ पे मुझे इतना शौक नहीं लगा। और जहाँ तक बात रही ओली की, तो मैंने ओली के बारे में भी आपको बहुत कुछ बताया था पहले, उस फ़ोन के बारे में, सॉरी ओली के बारे में नहीं, उस फ़ोन के बारे में, कि हमें जो भी इस फ़ोन से कनेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, वो असल में हमें गाइड करेगा इस पूरे प्ले केयर में। सो होप सो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ सच ना हो चैप्टर 4 के एंड में, वरना लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे मज़ा आएगा। वो चीज़ अलग है कि हाँ भाई, जो हमारी थ्योरीज हैं वो ज़बरदस्त हैं कि एंड में वो हमें बिट्रे कर देगी, क्योंकि हम भी एक्चुअली उन्हीं सब में से एक हैं, उन्हीं सब एम्प्लॉय में से एक हैं, और वो बस यही बोलेगी कि जो भी हमारे मॉन्स्टर्स थे, आई मीन उसके नज़रों में जो है मॉन्स्टर वो है एम्प्लॉयज़, वो सब मर चुके हैं सिवाय एक को छोड़ के, और यही वो बोल के हमें मार देगी, और सिर्फ जिंदा रहेगी पॉपी या फिर एक्सपेरिमेंट 1006, इनमें से कोई एक ही आई थिंक जिंदा रहेगा, पापी या फिर 1006। अब इस गेम का नाम पपी टाइम, तो नो डाउट कि पापी ही जिंदा रहेगी, लेकिन क्या हम जिंदा रहेंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, मैं और स्टोरी को स्पॉइल नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। फिलहाल के लिए यहाँ तक आप आ चुके हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पे नए हो ठोक दो सब्सक्राइब बटन। चैप्टर 4 के आने से पहले हमें 100,000 तक पहुंचना है। आई नो मैंने बहुत ह्यूज नंबर बोल दिया, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ईयर तक मे बी ये गेम आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना है इस चैनल को। बहुत कम वीडियोस आती हैं इसमें ऑलरेडी, लेकिन जो भी आती है माइंड ब्लोइंग आती है। बाकी अगर आप चाहो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो चैनल पर दिए गए ज्वाइन बटन में क्लिक करके, जहाँ पर बहुत सारे प्लान्स हैं आपके अकॉर्डिंग, आप चाहो तो उन्हें एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर आपको हर वीडियो का एक्सेस भी मिलता है। जो आप वीडियो अब देख रहे हो वो हमारे मेंबर्स ने ऑलरेडी एक दिन पहले देख लिया है। क्या जो भी है, वीडियो में अंत तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन, मैं वीके जल्दी मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, मज़े करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।